दस्तरखान की दुनिया में मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए पेरी पेरी सॉस की रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए एक कप गर्म पानी कर लिया था। उसमें मैंने यहाँ पर 10 से 12 लाल मिर्च सूखी वाली आती है ना, वो ले ली थी। अब ये गर्म पानी में मैं इसे डाल दूँगी और इसे ढककर हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसे ही छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर एक लेमन ले लिया था। इसके ऊपर के छिलके को हम कद्दूकस करेंगे। सिर्फ ऊपर के पीले हिस्से को ही हम कद्दूकस करेंगे, सफ़ेद हिस्से को ना करें, नहीं तो कड़वा टेस्ट आ सकता है और हमारा पेरी पेरी सॉस कड़वा हो सकता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसे कद्दूकस किया है। सिर्फ ऊपर का पीला वाला हिस्सा ही हल्के से छीलें। मैंने यहाँ पर 2 नींबू ले लिए थे और इसका जो पीला हिस्सा है उसे कद्दूकस कर लिया था। देखिए ये इतना सा निकला है, इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हम एक बड़ी साइज की प्याज लेंगे और उसे बीच में से काट कर स्लाइस कर लेंगे। इसे भी हम एक तरफ रख देंगे। मैंने यहाँ पर लाल शिमला मिर्च आती है ना, वो ले ली है और इसके भी हम पीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसके पीस कर लिए हैं। हम एक लहसुन की गट्ठी लेंगे और उसमें से 12 से 15 कलियों को हम छील लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 12 से 15 कलियों को छील लिया और इसमें शामिल कर देंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम ये प्याज, शिमला मिर्च और जो लहसुन की कलियाँ थी उसे शामिल कर देंगे और हमारे पास जो लेमन का छिलका था उसे भी शामिल कर देंगे। इसके बाद जो लाल मिर्च थी पानी में भिगोई हुई वो भी पानी निकाल कर शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर लेमन जूस शामिल किया है। 2 बड़े चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। मैंने यहाँ पर हरे धनिया के पत्तों को काट लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये आधा कप के करीब होंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। 2 बड़े चम्मच ओरिगानो शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ले लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप जितना जैतून का तेल शामिल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है और इसे ढक्कन लगाकर हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा पेरी पेरी सॉस बनकर तैयार है।